बीजेपी के नफरती विधायक को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। देश के माहौल को खराब करने वाले नेता को हैदराबाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। बीजेपी ने भी अपना दामन साफ करते हुए नेता को निलंबित कर दिया है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नफरती नेता के खिलाफ कुल 101 केस दर्ज हैं। इनमें 18 मामले तो सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के हैं। RAF की तैनाती भी की गई थी। आपको बताते हैं कि टी राजा सिंह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद से ही राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि टी राजा सिंह को प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कुल 101 केस दर्ज हैं। इसमें 18 मामले सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के हैं। मंगलहाट पुलिस ने PD एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें चेरियापल्ली सेंट्रल जेल में रखा गया है। बता दें कि राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में हुए कार्यक्रम का विरोध करते हुए वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि फारूकी ने हमारे भगवान राम और सीता जी पर टिप्पणी की थी। ऐसे व्यक्ति को हैदराबाद में कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। और इसी वीडियो में राजा सिंह ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर बवाल मच गया। राजा सिंह की वीडियो पोस्ट के बाद विवाद बढ़ा तो यूट्यूब ने वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुकी थी और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी इस कदर थी कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बीते कई दिनों से हैदराबाद में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज की। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आस्था सभी की बराबर है। कोई भी व्यक्ति किसी को आहत ना करे। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दे कि आखिर मुनव्वर निशाने पर क्यों है। साल 2021 1 जनवरी की बात है। मुनरो कैफे में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो था। शो के दौरान ही मुनव्वर राम और सीता जी पर व्यंग करते हुए कुछ गलत टिप्पणी कर जाते हैं, जिसके बाद सारा बवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि विवादित कॉमेडी के बाद फारूकी को जेल भी भेजा गया था, जब फारूकी 37 दिन तक जेल में रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। बाद इसके मुनव्वर के कई शो दबाव में कैंसिल भी हुए थे, जिसके बाद मुनव्वर ने भारी मन से ट्वीट भी किया था। मुनव्वर ने ट्वीट करते हुए कहा, नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, मैं अब कुछ नहीं कर रहा, अलविदा अन्याय, हंगामा मचना था सो मचा। साथ ही राहुल गांधी ने भी मुनव्वर का नाम लिए बगैर ट्वीट किया था, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। इसी के साथ कई तरह के सवाल खड़े हुए, जिसमें एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या मुनव्वर फारूकी को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। क्या इसी तर्ज पर देश में पहले के कलाकारों को भी अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्रता थे। सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या किसी गलती की सजा होने के बाद व गलती की माफी मांगने के बाद भी कलाकार का बहिष्कार होना कहां तक ठीक है। साथ ही ये कौन सा न्याय है कि आप एक व्यक्ति की पुरानी टिप्पणी, जिसकी उसे जेल भी हो चुकी है, उसके बाद भी उसको धमकाया व उसके शो को कैंसिल कराया जाए और सस्ती लोकप्रियता के लिए देश का माहौल खराब कर एक समुदाय के आस्था को आहत किया जाए। आप सभी जानते हैं, इसी साल के शुरुआती जून से देश भर में बवाल मच गया था, जब BJP की ही एक नेत्री नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मीडिया चैनलों पर जानबूझकर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश ही नहीं दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारत की छवि धूमिल हुई थी और विरोध प्रदर्शन से बायकॉट तक का सामना भारत को करना पड़ा था। भारत में ही कई प्रदर्शन हुए थे, जिसमें हिंसक दृश्य भी देखने को मिले थे, जब कई लोगों की जान भी इस प्रदर्शन के दौरान चली गई थी। तब BJP ने अपना बचाव करते हुए ऐसे बयान देने वाले लोगों को फ्रीज एलिमेंट यानी सड़क छाप बताया था। अब आप ही सोचिए, क्या चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं बनता जो ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने की आजादी देती है, जिस पर इतने केस दर्ज हों। जैसा कि हैदराबाद पुलिस ने बताया कि टी राजा सिंह के खिलाफ कुल 101 केस दर्ज हैं, जिनमें 18 मामले सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के हैं।
क्या ऐसे आदमी को जनता की भलाई के लिए उचित समझा जा सकता है? जिस व्यक्ति पर 18 के सिर्फ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लगे हों, क्या ऐसा व्यक्ति भारत देश की एकता, अखंडता, राजनीति और राजनीतिक पार्टी व सर्व समाज के आपसी भाईचारे के लिए उचित हो सकता है? सोचिएगा जरूर। इन्हीं सवालों के साथ बने रहिए हमेशा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। देश की एकता के लिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लेकिन सभ्यता के साथ। आप देख रहे थे सामाजिक संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, धन्यवाद।